नमस्कार। एक सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है कि शोभित विश्वविद्यालय कोरोना के वक्त में अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों बना रहा है, या वो एक कोरोना वॉरियर के तौर पे समाज के साथ इतना एक्टिवली कैसे जुड़ा हुआ है। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को लेकर बातचीत की, अपनी चिंता व्यक्त की, तभी शोभित डीम्ड विश्वविद्यालय मेरठ और शोभित विश्वविद्यालय गंगो दोनों ने ही स्वेच्छा से 100-100 बेड की क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने यहाँ बनाकर जिला प्रशासन को सौंप दी। और शायद ये पहले और अकेले ऐसे विश्वविद्यालय थे जिन्होंने स्वेच्छा से ये मार्च में ही किया। मेरा मानना यह है, जब भी राष्ट्र को, समाज को आपकी आवश्यकता हो तो आपको आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। क्वारंटाइन सुविधाओं को बनाने के साथ साथ शोभित विश्वविद्यालय लगातार सैनिटाइजर बनाकर समाज के विभिन्न वर्गों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, स्कूलों में, संस्थाओं में, एनजीओस को उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और क्योंकि गंगो में विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक 100 बेड का हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर L1 कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसके माध्यम से भी लगातार इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शोभित विश्वविद्यालय अपना सहयोग दे रहा है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये गलत है, या कुछ लोग ये बताते हैं, कभी कहते हैं हॉटस्पॉट बन जाएगा, कभी बताते हैं इससे क्या होने वाला है, ये जो है हम अपने स्टाफ, अपने स्टूडेंट को शायद खतरे में डालने की बात कर रहे हैं, तो या बहुत सारे समाज के लोग इसको विरोध करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा खाली किताबी नहीं है, शिक्षा आपके व्यवहार से आती है। समाज को जो संदेश आप देना चाहते हैं वो आपके कार्यों से दिया जाता है। और शोभित विश्वविद्यालय राष्ट्र की सेवा के लिए शिक्षा के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से संकल्प लिए हुए हैं। हम उसके लिए संकल्पित हैं। मैं अपने स्टाफ, अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स और उन सब का जो इस मिशन को पूरा करने में हमारा लगातार सहयोग कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिन लोगों को कोरोना को लेकर ये है कि शायद हम घर बैठ जाएँ और घर बैठ के ये लड़ाई पूरी हो जाएगी, उन लोगों को मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की उस वाणी को याद दिलाना चाहता हूँ जब उन्होंने कहा था इस कोरोना से लड़ना है। ये एक युद्ध है और लड़ने के लिए हमें मैदान में आना ही होगा, संस्थाओं को आना होगा, व्यक्तियों को आना होगा। आइए साथ आएं और इस वैश्विक महामारी से लड़ें और इस पर विजय हासिल करें। मुझे उम्मीद है जल्दी ही ये विजय हासिल होगी। और जो शोभित विश्वविद्यालय गंगो और मेरठ कर रहे हैं, उसे आपका सहयोग ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।